नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पटवारी 2023 की जो आगामी परीक्षाएं हैं हमारी, उनको मद्देनज़र रखते हुए, साथ ही सीपीसीटी जनवरी 2023 की जो कक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए, हम लोग कंप्यूटर से जो मोस्ट टाइम भी एमसीक्यूज़ हैं उनकी सीरीज़ लेकर आए हैं। पहली जो कक्षा थी वो हमने अपनी कंप्लीट कर ली, मंथन के उसमें हमने क्वेश्चंस देख लिए। दूसरा जो चैप्टर है इसमें मैं आपके लिए 60 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। देखिए 60 क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये बहुत ज़्यादा क्या है, आईएमपी क्वेश्चन है। हमारी पटवारी की परीक्षा हो या फिर सीपीसीटी की जो परीक्षा हो, दोनों के नज़रिए से बहुत ज़्यादा क्या है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए इन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए। पीडीएफ में आपको आज ही प्रोवाइड आसानी से करवा दूंगा। चलिए यहाँ पे हमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है, सेविंग की प्रक्रिया है। तो ये सेविंग की प्रक्रिया है वो क्या है, इसका हमें आंसर ढूंढना है कि सेविंग की जो प्रक्रिया है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा सेविंग की जो प्रक्रिया है, एक सेकंड थोड़ा बड़ा कर लें फॉन्ट ताकि आपको क्लियर देखिए। हाँ, सेविंग की जो प्रक्रिया है क्या है, सेविंग की प्रक्रिया है तो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज की क्या करना, कॉपी करना। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को कहा जाता है, सब डायरेक्टरी कहा जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारा डॉस से लिया हुआ है, एमएस डॉस जो होता है हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है कि जो उसमें डायरेक्टरी बनाई जाती है और उस डायरेक्टरी के अंदर जो होता है हमारा वो होती है सब डायरेक्टरी। जैसे वही होता है कि फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर जो होता है, वैसे का वैसे ही सिस्टम हमारा पूरा है। सीएडी का तात्पर्य क्या है, एग्जाम में फुल फॉर्म से क्वेश्चन 2 या 3 आने ही हैं, तो सीएडी का तात्पर्य हमारा क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो जाएगा सीएडी का फुल फॉर्म। उसके बाद देख लेते हैं ओरेकल क्या है, तो ओरेकल है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर। क्या है, ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। उसके बाद देखिए असेंबलर का कार्य क्या है, तो असेंबलर जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर से संबंधित एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है असेंबलर। तो असेंबलर का जो कार्य होता है वो क्या होता है, असेंबली भाषा को मशीन यानी कि यंत्र भाषा में क्या करना होता है, इसको परिवर्तित करना होता है। असेंबली भाषा को ही क्या कहा जाता है, बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। आप लोगों को अगर इनके चैप्टर डिटेल में पढ़ने हो तो पूरे वीडियो हमारे अपलोड हैं सीपीसीटी जनवरी 2023 के नाम से, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में आपको आराम से उसके वीडियो मिल जाएंगे। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, तो भारत में सबसे पहले दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन। सेवन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती, तो उसको कहते हैं मैश टोपोलॉजी। उसको क्या कहते हैं, मैश टोपोलॉजी। देखिए जब टोपोलॉजी मैंने आपको पढ़ाई थी वहाँ मैंने आपको बताया था कि हमारे जो खाने की जो टेबल होती है, जो हमारे खाने की जो मेश होती है, उसमें जो कुर्सियाँ लगी होती है उनको हम लोग क्या मान ले, नोड मान ले। नोड का मतलब होता है उस नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर, और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक कंप्यूटर जो मेन कंप्यूटर है वो, यानी कि हर कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर होते हैं उनसे डाटा ले भी सकता है और उनको डाटा दे भी सकता है। तो वही यहाँ पर क्या गया कि प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं, यानी कि दोनों तरह की कड़ियाँ हैं, आप डेटा को ले भी सकते हैं और डेटा को दे भी सकते हैं। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं हम, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है टर्मिनल। टर्मिनल उसको कहा जाता है या फिर उसको क्या कहा जाएगा, टर्मिनस कहा जाता है। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है अर्पानेट, यानी कि जो दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क था वो क्या था, अर्पानेट। लिनक्स एक उदाहरण है, तो लिनक्स क्या हो जाएगा, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है ये लिनक्स। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, जबकि आपको विंडो के लिए पैसा देना पड़ेगा। लिनक्स होता है, यूनिक्स होता है, विंडो होता है, एमएस डॉस होता है और एंड्रॉयड, ये सब हमारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ये भाग हैं। आगे देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, तो पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है बूटिंग। पहले से जो चल रहा है चालू कंप्यूटर उसको आप रीस्टार्ट कर दोगे तो वो कहलाएगी हमारी बूटिंग, रीबूटिंग कहलाती है, और रीबूटिंग या फिर इसको क्या कहा जाता है, वार्म बूटिंग भी कहा जाता है, और बंद कंप्यूटर को चालू करना कहा जाता है कोल्ड बूटिंग। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है डिगबिंग। क्या कहा जाता है इसको, डिगबिंग कहा जाता है, और जो त्रुटि होती है उसको जाना जाता है बग के नाम से। किस नाम से जाना जाता है उसको, बग के नाम से। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या है, सीपीयू का, 13वां क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, क्या करता है वो, क्या कहलाता है, हमारा कंट्रोल यूनिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जानते हैं सीयू के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको, हम लोग सीयू के नाम से भी जानते हैं। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं,
कंप्यूटर में जाने वाला डेटा, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, तो इस डेटा को क्या कहते हैं हम लोग, इनपुट कहते हैं, और कंप्यूटर जो डाटा हमें देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। चलिए 15वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो देखिए चिन्ह, चिन्ह या संख्यात्मक सूचना जो होती है, ये इन्फॉर्मेशन जो होती है या तो न्यूमेरिक हो या फिर अल्फाबेटिकल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। पर सूचना किसको कहते हैं? तो देखिए सूचना क्या होता है, डाटा का व्यवस्थित सिस्टमेटिक जो रूप होता है वो सूचना कहलाता है। डाटा को सूचना में आप प्रोसेसर के माध्यम से परिवर्तित कर सकते हैं। 16वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा IMP क्वेश्चन है इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली आपकी कंप्यूटर की क्लासेज यहाँ पर क्या होती है, अपलोड होती हैं, और एक भी नंबर नहीं कटेगा इस बात की क्या है, गारंटी पूरी है। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ALU का पूरा नाम होता है, तो ALU का जो पूरा नाम होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 17वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, तो देखिए कंप्यूटर को जो नियंत्रित करता है वो क्या कहलाता है, CPU कहलाता है। CPU उसको क्या कहते हैं, CPU कहते हैं। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? तो देखिए सामंजस्य स्थापित करता कौन है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सभी के मध्य क्या करना, देखो स्थापित करना है ना, तो ये कार्य किसका हो जाएगा, हमारा कंट्रोल यूनिट का ये कार्य हमारा हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर को ही क्या कहा जाता है, माइक्रो चिप भी कहा जाता है, और इसी के अंदर CPU भी हमारा होता है। 20वां, चलिए 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ALU परिचालन संपन्न करता है, तो जो ALU जो होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है वहीं पे लिखा होता है अर्थमेटिक, है ना, तो अर्थमेटिक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। मैंने अभी आपसे बात की कि जो इन्फॉर्मेशन जो होती है डाटा का क्या होता है, अर्थपूर्ण रूप होता है, तो ये बदलने का काम कौन करता है, प्रोसेसर करता है, और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। 22वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि क्राई क्या है, तो क्राई क्या हो जाएगा, एक सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। क्रे क्या हो जाएगा, एक सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 23वां, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस स्पीड के कंप्यूटर में हुआ था, तो टेली प्रोसेसिंग हो या फिर टाइम शेयरिंग हो, इस तरीके के जो कंप्यूटर थे इनका प्रयोग हुआ था तृतीय पीढ़ी में, यानी कि थर्ड जनरेशन में इन सब का प्रयोग हुआ था। 24वां क्वेश्चन पढ़िए। 24वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 24वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, वह उपकरण जो हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं, PDA उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, PDA उसको कहा जाता है। चलिए 25वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई साहब कंप्यूटर होते हैं दो प्रकार के, है ना, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार आपको पता होने चाहिए, और जिनको नहीं, जिनको पता है वो कमेंट में लिख दे, जिनको नहीं पता वो कमेंट में पूछ ले, मैं आंसर भी कर दूंगा। 26वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, पॉइंट एंड डॉट डिवाइस को कहा जाता है, तो उसको कहते हैं माउस को कहते हैं। देखिए माउस क्या होता है, हमारी पॉइंटिंग डिवाइस भी होती है, इसका जो कार्य होता है कंप्यूटर को आदेश देने के लिए कहा जाता है। सिर्फ माउस ही पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, बल्कि जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैकबॉल भी पॉइंटिंग डिवाइस है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ट्रैकबॉल हो गई, जॉयस्टिक हो गई, माउस हो गई, और एक और चीज़ जो क्या होती है पॉइंटिंग डिवाइस कही जाती है, आप लोगों को उसको बताना है मुझे। चलिए ट्रैकबॉल, ट्रैकबॉल उदाहरण है, तो देखिए ट्रैकबॉल का एक उदाहरण हो जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण हो जाएगा। लाइव देख लेते हैं। 2800 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? यदि देखिए सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, इनको हम स्पर्श करके नहीं देख सकते हैं, पर होती क्या, वो भी एक आउटपुट ही होती है क्योंकि मॉनिटर पर हमें वो प्रदर्शित हो रही है। तो हार्ड कॉपी क्या है, तो हार्ड कॉपी क्या होता है, जब उसका प्रिंटेड स्वरूप हमारे हाथ में आता है तो वो क्या हो जाएगी, हमारे लिए प्रिंटेड आउटपुट हो जाएगी। चलिए 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं इंस्टॉलेशन। IMP क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, तो ये होता है रैम में, क्योंकि रैम क्या है, एक तरह की क्या है, अस्थायी मेमोरी है। रैम और रोम दो तरह की मेमोरियाँ होती हैं, एक स्थायी मेमोरी होती है रोम, और एक अस्थायी मेमोरी होती है रोम, सॉरी एक स्थायी मेमोरी होती है रोम और एक अस्थायी मेमोरी होती है हमारी रैम, ठीक है, जबकि दोनों होती क्या, प्राथमिक मेमोरियाँ ही होती हैं। 31वां को देख लेते हैं, DVD उदाहरण है, तो DVD किसका उदाहरण है, एक ऑप्टिकल डिस्क का है, चाहे DVD हो, VCD हो या फिर हमारी क्या हो, CD हो, ये सब किसका उदाहरण हो जाएंगी, हमारी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण हो जाएंगी।
CDRW का फुल पूरा रूप क्या है, तो CDRW का जो पूरा नाम हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। देखिए CD का क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क, और RW का हो जाएगा रीराइटेबल, यानी कि इस तरीके की डिस्क, इस तरीके की कॉम्पैक्ट डिस्क जिसमें आप डाटा को क्या कर सकते हो, कई बार लिख सकते हो, लिखने के बाद मिटा सकते हो और फिर से उसे लिख भी सकते हो। रीराइटेबल का मतलब ये होता है। चलिए, सूचना एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है, तो ये काम कौन करता है, हमारा डेटाबेस करता है। ये काम कौन करता है, डेटाबेस करता है। देखिए, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और वापस उन्हें लाना, ये काम कौन करता है, डेटाबेस करता है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं, UPS बोलते हैं। UPS का फुल फॉर्म हमारा हो जाएगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस जो 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 कंप्यूटर को बिजली जाने के बाद भी क्या करता है, बिजली की सप्लाई करता है। एक हिसाब से आप इसको बोल सकते हैं इन्वर्टर बैटरी का ये काम हमारा करता है। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो इसमें रहता है देखिए सिस्टम बस, क्या रहता है इसमें, सिस्टम बस रहता है। 36 हमसे क्या कह रहा है, प्रथम गणना यंत्र है, तो प्रथम गणना यंत्र क्या है, अबेकस है। 37वां क्वेश्चन, देखिए विंडोज़ में क्या होता है, विंडोज़ एमई जो आया था, हमारा वर्जन आया था XP के बाद, जो विंडोज़ XP से पहले जो आया था एमई, उसमें एमई का जो फुल फॉर्म था उससे क्या बताता था, तो उससे बनता है मिलीनियम, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है ना। 38 देख लेते हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या, तो इसको जानते हैं मॉडेम से। मॉडेम का कार्य क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना। पहले से उन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वार्म बूटिंग, अभी मैंने आपको बताया, और बंद कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोल्ड बूटिंग। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको ज़रूरत होती है टेक्स्ट एडिटर की। किसकी आवश्यकता होती है, टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होती है। चलिए 41 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 41 हमसे क्या कह रहा है, कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, जो कंप्यूटर की अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ होती है, अधिकांश से मतलब लगभग सारी प्रोसेसिंग जो होती है वो हमारे CPU में होती है। CPU को ही क्या कहा जाता है, प्रोसेसर भी कहा जाता है। 42 वेबसाइट कलेक्शन है, वेबसाइट किसका कलेक्शन है, तो जो वेबसाइट है वो वेब पेजेस का क्या है, कलेक्शन है। वेबसाइट किसका कलेक्शन है, तो जो वेबसाइट है वो किसका कलेक्शन हो जाएगा, हमारा वेब पेज का कलेक्शन हो जाएगा। कौन से नंबर का क्वेश्चन है, हमारे यहाँ 42 नंबर का क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं 43 को, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये होती है मशीनी लैंग्वेज को। देखिए, क्योंकि मशीनी लैंग्वेज को क्या करता है, कंप्यूटर खुद से समझ लेता है। यदि आप असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे तो उसको ट्रांसलेट करके मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि हाई लेवल लैंग्वेज में से कोबॉल हो गई हमारी, फोर्ट्रॉन हो गई, बेसिक हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई, C++, लोगो, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, अगर आप इनमें लिखेंगे तो इनको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझने लायक मशीनी लैंग्वेज में उसे क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर प्रोग्राम आपने मशीनी लैंग्वेज में ही लिखा है तो उसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये लैंग्वेज तो कंप्यूटर को पहले से ही आती है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है, देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट का जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट की मूलभूत पहचान होती है जो उस डॉक्यूमेंट के नाम के जस्ट पीछे होती है। तो डॉट एक्सेल क्या है, जो एक्सेल होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारा एक्सेल, उसकी पहचान है डॉट एक्सेल। आपको ये पता चल जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट है किस फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट है। जैसे कि अगर प्रेजेंट पावर पॉइंट का है तो .PPT उसके पीछे, चलिए 44 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 44 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है, देखिए एक्सटेंशन क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट की पहचान होता है, उसकी जो मूल पहचान रहती है वो उसका एक्सटेंशन ही रहता है। एक्सटेंशन को देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है किस फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट है, वर्ड का है, एक्सेल का है, पावर पॉइंट का है, या फिर किस तरीके के फॉर्मेट में ये डॉक्यूमेंट हमारा बना हुआ है। तो जो डॉट एक्सेल होता है वो स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है, एक्सेल का होता है, एक्सेल स्प्रेडशीट का होता है। चलिए 45 क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है, अभी हमने बात की फाइल के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि जो फाइल है वो किस टाइप की है पहचानने के लिए हमें फाइल एक्सटेंशन लगाने होते हैं। कुल मिला के ये हमारे सरनेम की तरह होता है। चलिए 46 देख लेते हैं, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का, देखिए एक्सेल में क्या होते हैं, वर्कशीट ही बनती हैं, उन वर्कशीटों से मिलके ही वर्कबुक का निर्माण होता है। और एक वर्कशीट का जो निर्माण होता है वो होता है रो एंड कॉलम से, है ना, तो रो और कॉलम जहाँ मिल जाते हैं वहाँ पे सेल का निर्माण होता है। चलिए 47 देख लेते हैं, ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं, ईमेल पते के दो भाग होते हैं, एक तो प्रयोक्ता का नाम जो उपयोग कर रहा है उसका नाम, और एक होता है उसका डोमेन नंबर।
कैट शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो कैट शब्द का जो संबंध है, अभी हमने बात की थी CAD, है ना, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD होता है कैड मतलब, तो डिज़ाइन से इसका संबंध है। 49 देख लेते हैं, 49 हमसे क्या कह रहा है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है। तो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम है सिद्धार्थ, और भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, सोर्स कोड उसको कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सी, बेसिक, कोबल और जावा किस तरह की भाषा के उदाहरण हैं? तो देखिए ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज हमारी हैं। 52 ASCII का पूर्ण रूप क्या होगा? देखिए इसको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत IMP क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए 53 देख लेते हैं। कंप्यूटर का पितामह किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर को बनाने में सबसे ज़्यादा सहयोग इन्हीं का था। 52 देख लेते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई, तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1946 में। 55 कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पर है कुछ भी नहीं, उसको क्या कहा जाएगा, सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम हो, नियम हो, कंप्यूटर की क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री हो, तो उसको सॉफ्टवेयर कह देंगे। बिना सॉफ्टवेयर के हमारा कोई कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। नियम होने ज़्यादा जरूरी है, प्रोग्राम होना ज़्यादा जरूरी है। 56 कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क हो, चाहे कंप्यूटर का क्या हो, हृदय हो, CPU को ही कहा जाता है। CPU का फुल फॉर्म हमने पढ़ा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 57 देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि जो IC चिप होती है, इसका विकास किया गया है भाई साहब JS किल्बी के द्वारा। IC चिप के पर किसकी परत होती है? तो IC चिप पे परत होती है सिलिकॉन की, और भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो बेंगलुरु को जाना जाता है। 59 को हम लोग देख लेते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है, इसीलिए जो डिस्क होती है हमारी वो क्या होती है, चमकती है। चलिए DVD हो या फिर VCD हो, वो इसीलिए चमकती है। कंप्यूटर 60वां यानी कि आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर में जो शब्द होता है उसकी लंबाई मापी जाती है बिट में। बिट से ही पता चलेगा कि जो शब्द है उसकी लेंथ कितनी है। तो आज की जो कक्षा थी उसमें इतने ही 60 क्वेश्चन थे। आगे जो आने वाली कक्षाएं हैं उनमें हम इस संख्या को दिन प्रतिदिन बढ़ाते ही जाएंगे। सिर्फ ये आशा है कि आप इस चैनल से नियमित रूप से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी कर दीजिए आपके जो दोस्त हैं अगर वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। साथ ही जो बच्चे CPCT दे रहे हैं उनके लिए भी ये जो कक्षाएं हैं रामबाण है, बिल्कुल करना कुछ नहीं है। PDF आपको डेली मिल जाएगा, नोट्स बनाने हैं और यहाँ पर आके डेली आपको कक्षाएं लेने हैं। आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।